वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी स्कूल का होमवर्क। प्यारे दोस्तों, एक बच्चा फारिस था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही स्कूल जाना। बस उसका तो सारा का सारा ध्यान खेल कूद में होता था। आए दिन वो बहाने बनाकर छुट्टियां किया करता था। एक दिन की बात है, टीचर ने कहा, कल मैं तुम लोगों का इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स का काम चेक करूंगी। इसलिए सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपीज को लाजमी लेकर आए। फारिस ने जैसे ही सुना, सुबह उठते ही अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मम्मी ने उसकी छुट्टी करा दी। दूसरे दिन फिर यही हुआ। फारिस ने कहा, मम्मी मुझे तो बुखार लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज भी जाने की। लेकिन जब शाम में खेलने के लिए गया तो उसकी क्लास वालों ने बताया, टीचर तो कल भी काम चेक करेंगी। इसीलिए फारिस ने तीसरे दिन भी छुट्टी कर ली। और जब स्कूल गया तो टीचर ने फारिस को देखते ही साथ कहा, अब तो सबकी कॉपीज चेक हो गई हैं और फारिस सिर्फ आप रह गए हैं, इसलिए अपनी कॉपीज जल्दी से निकाले। तो सारे बच्चों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया। फारिस ने कहा, टीचर मैं तो आज कॉपीज ही नहीं लेकर आया। टीचर ने कहा, कल तुम सारी कॉपीज लेकर आना। और फारिस के पास तो होमवर्क ही नहीं था क्योंकि उसका सारा ध्यान तो खेल कूद में होता था। इसीलिए फारिस ने अपने दोस्तों से कॉपीज मांगी और पूरी रात बैठ के काम किया। और जब सुबह सुबह स्कूल गया तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। टीचर ने जैसे ही उसकी आंखों को देखा, कहा, तुमने अपनी आंखें देखी हैं, किस कदर लाल हो रही हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज का काम कल तो मत छोड़ा करें। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि काम तो हमारा ही होता है, इसीलिए जब हमने ही काम करना है तो क्यों ना वक्त पे काम करें। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।